भगवान की कथा तो बार बार सुननी चाहिए। हनुमान जी के बिना किसी का काम नहीं चलता है, राम जी का नहीं चला त्रेता में, बनता नहीं सागर पाहन से दल बानर भालु कहां लगी ढोते, शतयोजन सिंधु तरंग तरंगित जान के जान कोई नहीं खोते, रहते रघुवीर अधीर पुनी बनवासी बने सी वियोग में रोते, गढ़लंक निशंक अजय रहता हनुमान हठी जो सहाय न होते। त्रेता में हनुमान जी के बिना राम जी का काम नहीं चला, और द्वापर में श्री कृष्ण भगवान का भी काम हनुमान जी के बिना नहीं चलता है। एक कथा मैंने सुनी थी, मन में हनुमत राम बसाए अर्जुन को श्याम सुहाए, दोनों योद्धा है एक समान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान, अर्जुन है वैसे हनुमान, एक दिन की बात। भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन पूजा के लिए फूल चाहिए। अर्जुन बोले, अभी जाता हूं। एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए, पहुंचे अर्जुन कदली वन में जहां अंजनी जाए। भगवान की लीला भगवान जाने। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पूजा के लिए पुष्प ले आओ। अर्जुन गए कहां, कदली वन में, वहां हनुमान जी। अब हनुमान जी केले के बड़े बड़े पत्तों के पीछे छिपे बैठे, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय, हाँ जय सिया राम जय जय। पवन पुत्र थे जहां पेड़ के लोके लंबे चौड़े, फूल धनंजय ने जब तोड़ा तो हनुमान जी दौड़े। हनुमान जी आए, क्या कर रहे हैं? अर्जुन ने कहा कि फूल तोड़ रहे। तो कहा कि फूल तोड़ने के पहले पूछ तो लेना चाहिए था जब हम यहां बैठे। अर्जुन ने कहा तो क्या बड़ी भारी बात हो गई, पूजा के लिए फूल चाहिए थे तोड़ लिए तो क्या हुआ? हनुमान जी बोले, चोरी से? पूजा तो अच्छा काम है, और अच्छा काम करने के लिए गलत तरीका, चोरी से फूल ले जा रहे, पूछ लेते। अर्जुन ने कहा तो क्या हुआ, पूजा के लिए तो ले जा रहे? हनुमान जी बोले, तो चोरी से ले जा रहे हो? हाँ, तो क्या हुआ? हनुमान जी बोले, ये बताओ किन भगवान की पूजा के लिए ले जा रहे? तो अर्जुन बोले, भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए। हनुमान जी को हंसी लगी, बोले तो कोई बात ले जा, कोई बात। तो बोले क्यों? बोले जिनके भगवान ही चोर है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, उनकी पूजा के लिए चोरी से फूल जाए तो कोई बात नहीं। आप तो हनुमान जी ने तो विनोद किया था भगवान श्री कृष्ण से, भक्त तो भगवान से सब तरह का विनोद करते हैं। अर्जुन को बुरा लगा, हमारे भगवान को चोर कह दिया, अब तो अर्जुन नाराज हो गए। बोले, तुम राम जी के भक्त हो, क्या है तुम्हारे राम जी? अर्जुन बोले, ऐसे पुरुषार्थ में राम का जानू रहे धनंजय जैसे, मैं जानता हूं बंदरों से पत्थर पहाड़ ढुलवाए पुल बनवाया, क्या बाण चढ़ाकर धनुष पर वर्षा करके बाणों की पुल नहीं बना सकते थे? और उन राम की महिमा गाते हैं, वे बड़े बलवान बड़े। हनुमान जी मुस्कुराए, अच्छा आप बना सकते हो, अभी अभी बांधकर पुल दिखला दूं, चलिए सिंधु किनारे।
हनुमान जी बोले लेकिन एक बात है, राम जी ने जो पुल बनवाया था बंदरों से पहाड़ पत्थर ढुलवाकर, उस पर से कई बंदर निकले, तुम्हारे बनाए हुए पुल पर से राम जी का एक बंदर निकल जाए और पुल सुरक्षित बना रहे तब मानी जाएगी बहादुरी। अर्जुन बोले हाँ पुल नहीं टूट सकता। हनुमान जी बोले अगर टूट गया तो? अर्जुन ने कहा मैं क्षत्रिय हूं, वीर हूं, चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा अगर पुल टूट गया। हनुमान जी बोले कि नहीं टूटा तो मेरी भी प्रतिज्ञा है कि तुम जो कहोगे सो करूंगा। ठीक, अब तो वर्षा हुई, बाण की वर्षा की, अर्जुन ने सागर बना समूचा, आनन फानन कई योजन का पुल बांध दिया था ऊंचा। ऐसी बाण वर्षा की वीर अर्जुन ने, पुल बन गया। अर्जुन बोले पुल तैयार है, हनुमान जी बोले तो राम जी का बंदर भी तैयार है। अब हनुमान जी गए उत्तर दिशा की तरफ, बड़ा विशाल रूप बनाया, हजार योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लियो कांधे, और एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। ऐसा तूफान सा उठा, सूर्य ढक गया अंधेरी में, अर्जुन के तो आंख बंद हो गई, हाथ जोड़कर सोचने लगे। अर्जुन उत्तर दिशा में तूफान सो उठो, एक भानु हूं भुलायो या अनोखी अंधियारी सो। अर्जुन कह दे हाय रे नीच, बिनु कारण भुलाई मीच, और बैर बांधो आज बजरंग ब्रह्मचारी सो। कांपत शरीर नैनन सो, झरत नीर विनती विनीत करे वीर बनवारी सो। अर्जुन बोले हे श्री कृष्ण भगवान, ब्रज पे संकट देख आप एक गिरधारी बने, अब की बचाओ या अनेक गिरधारी सो। आपने तो एक ही गिरी उठाया, इनसे बचाओ। पर हनुमान जी आए, जो पुल पर चरण रखा चले उस उगा पाताल तुरंत। हनुमान जी ने मुड़कर कहा कि देखो पुल कहां है, पुल नहीं दिख रहा। अर्जुन बोले मेरी प्रतिज्ञा थी अभी पुल बनाने वाला भी नहीं देखेगा, चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। हनुमान जी बोले जीवन बहुत कीमती है, मरो मत। अर्जुन ने कहा बदनामी की बात है। हनुमान जी बोले नहीं होगी। क्यों? बोले हम किसी से नहीं कहेंगे, अपने ही तक बात रखेंगे। अर्जुन ने कहा कि नहीं नहीं मैं तो क्षत्रिय हूं, आन पर प्राण दे दूंगा बदनामी से। अब हनुमान जी बहुत समझाएंगे, मान लिया। अर्जुन ने तो चिता की व्यवस्था कर ली, जलने को तैयार। तो हनुमान जी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लाज राखो गिरिधारी अब की टेक हमारी, लाज राखो गिरधारी की अब की टेक हमारी। भगवान श्री कृष्ण एक वयोवृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए। अर्जुन की ओर देख रहे, अरे भक्तराज क्या कर रहे हो, ये आग जलाई है, भोजन बनाना है क्या? अर्जुन बोले यहां तो भोजन बनाने वाला ही जा रहा है। क्यों? ब्राह्मण देवता आप तो धर्म के ज्ञाता है, क्षत्रिय को आन पर प्राण दे देना चाहिए कि नहीं? ब्राह्मण देवता बोले अवश्य। हनुमान जी ने सोचा कि और जल्दी मारेंगे इसे। हनुमान जी ने कहा किसे समझाओ,
ब्राह्मण देवताओं ने समझाना क्या है, धर्म कीमती चीज है, वचन कीमती चीज, प्राण क्या है, दे देना दे, जल जाओ। हनुमान जी ने कहा ये अच्छे आए। पर ब्राह्मण देवता बड़ी चतुराई से बोले, अच्छा एक बात बताओ, पुल इन्होंने बनाया, अर्जुन बोले हां हमने, अच्छा तुमने बनाया, तोड़ा किसने, कहा इन्होंने, शर्त पहले ही हो गई थी कि पुल टूट जाएगा तो मैं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा, इन्होंने कहा था नहीं टूटा तो तुम जो कहोगे सो करूंगा। भगवान बोले जो ब्राह्मण के रूप में थे कि ये देखा किसने, निर्णय करने वाला तीसरा होना चाहिए, तीसरा तो कोई था नहीं, तुमने आपस में शर्त कर ली और आपस में निर्णय कर लिया। फिर भगवान बोले कि तुम पुल बनाओ अर्जुन, अब मैं देखूंगा, और पुल टूटे तो उसके बाद होगा। अर्जुन बोले दोबारा भी बना दूंगा, हनुमान जी बोले तो जो होगी देखी जाएगी, बनाओ। पुल बनाए, हनुमान जी ने फिर वही विशाल रूप बनाया, भगवान भी घबरा गए कि सचमुच न टूट जाए ये पुल। तो श्री कृष्ण भगवान ब्राह्मण के रूप में तो खड़े रहे और कच्छप बनकर पुल के नीचे बैठ गए। पार गए हनुमत लौटे पुल, ज्यों का त्यों निहारा, नहीं टूटा। हनुमान जी खुश हुए कि नहीं टूटा पुल, ये तो बचा। लेकिन देखा कि ब्राह्मण देवता गायब है, कहा क्या हुआ क्या हुआ, नीचे जाके देखा तो कच्छप बने भगवान बैठे, अरे ये कच्छप गायब हो गया, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। हनुमान जी ने प्रणाम किया, बोले प्रभु हमने तो विनोद किया था आपसे, और अर्जुन ने उसको गंभीरता से लिया, लेकिन अब मैं हार गया हूं, अर्जुन जो कहेंगे सो करूंगा। अर्जुन बोले बताऊं, भगवान बोले अरे अभी नहीं, मौके के लिए रखो इन्हें, और मौका कब, जब महाभारत का युद्ध टल नहीं रहा था, तब भगवान ने अर्जुन से कहा कि अब हनुमान जी को बुला। अर्जुन बोले कि मैं नर हूं नर, फिर वानर की क्या जरूरत है युद्ध जिताने के लिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम तो नर हो, और त्रेता युग में राम जी तो नारायण, जब नारायण इस वानर के बिना युद्ध नहीं जीत पाए तो तुम नर होकर कैसे वानर के बिना युद्ध जीत पाए। बुलाओ। अर्जुन बोले आप भी चलो, उनके पास अकेले जाने में तो बड़ा खतरा है। श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर गए, हनुमान जी से कहा कि चलो वचन दिया। हनुमान जी बोले सो तो ठीक है, लेकिन हम तो राम जी के चरणों में रहते हैं। श्री कृष्ण विरोध करते बोले बोले हमारे सिर पर ही बैठ जाना, पर चलो तो। अरे महाराज सो ठीक है, लेकिन हमारी एक आदत है, हम बिना कथा के सत्संग के रह नहीं सकते। भगवान बोले वहां लड़ाई होगी कि सत्संग होगा, अगर कथा सत्संग होते तो लड़ाई क्यों होती। हनुमान जी बोले हमारे प्रभु तो युद्ध में भी कथा सुना देते थे धर्मरथ का वर्णन करके। भगवान बोले अच्छा चलो शर्त पूरी करें। ले आए अर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान जी बैठे, और इसलिए अर्जुन के रथ का नाम हुआ कपित ध्वज, और इसीलिए मुझे लगता है कि अर्जुन के मोह का तो बहाना था, भगवान कृष्ण को गीता तो हनुमान जी को सुनाना था कपिशा, और इसीलिए जब भीष्म पितामह की बाण वर्षा से अर्जुन का रथ थोड़ा भी नहीं खिसकता, और अर्जुन के बाणों के प्रहार से भीष्म पितामह का रथ पीछे चला जाता, तो अर्जुन मुस्कुराते श्री कृष्ण की ओर देखते, नीचे देखो मेरे रथ के पहिए पीछे नहीं गए, और पितामह का रथ देखो पीछे जा रहा है, नीचे देखो। श्री कृष्ण बोले नीचे नहीं ऊपर देखो, ऊपर देखो। अरे अर्जुन बोले ऊपर वाले को तो मैं बोले ऊपर वाले को तो भूलना ही नहीं चाहिए, ऊपर देखो। तुम ऊपर इसलिए हो क्योंकि वो ऊपर है। और जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन पहले तुम उतर जाओ रथ से, फिर मैं उतरूंगा। क्यों ऐसा क्यों प्रभु आप, नहीं नहीं मैं कह रहा हूं। अर्जुन उतरे, भगवान कृष्ण रथ से उतरे,
उसके बाद भगवान कृष्ण ने हनुमान जी से कहा कि अब हनुमान जी घटते ही रथ में आग लग गई, दग्ध रथ की कथा बोलते हैं, आग लग गई। क्या हुआ, ये आग कैसे लग गई, आग कैसे लग गई, आग कैसे लग गई? भगवान कृष्ण बोले कि आग तो जाने कब की लगी हुई थी, पर ये भक्त के रथ को बचाने वाले हैं और रावण के सोने की लंका को जलाने वाले हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम। तो आप विचार करो, ज्ञान योगी भी श्री हनुमान जी हैं, गुरुदेव के रूप में ज्ञान देते हैं, यज्ञ की रक्षा करके राम गुण गाने वाले त्रेता युगीन भक्तों की सहायता करते हैं। अरे द्वापर में भगवान कृष्ण के साथ सम्मिलित होकर अर्जुन को युद्ध में विजय दिलाई, और कलयुग में तो तुलसीदास जी को राम जी से मिलाकर धन्य कर दिया। इसलिए चाहे सतयुग के ज्ञान योगी हो, चाहे त्रेता के